नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य स्वानवीर सिंह अपने चैनल वैद्य किंग आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। लेते हैं लेकिन दोस्तों, मैं जहां तक होता है कि अपने आप एकत्रित करता हूं जड़ी बूटियां जंगलों में जा करके या खेतों में जैसे भी उपलब्ध हो सकें, फिर वहां से लेकर के आना और फिर उन्हें कूट पीस के धो के तैयार करना। तो इसलिए मुझे अपनी जो औषधि होती है, जो चूर्ण बना करके खुद तैयार करता हूँ मैं, उन पर ज़्यादा बिलीव रहता है। और दोस्तों, आज जो औषधि मैं एकत्रित की है, यहाँ से लेके आया हूँ मैं, काफ़ी हमारे यहाँ से दूर है और कहीं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो जड़ी बूटी है मेरे काम के आने वाली, तो कहीं जैसे टाइम निकाल करके फिर वहाँ से लेके आता हूँ। तो आज की जो वीडियो है, मैं आपको वीडियो साथ में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लगती है जड़ी बूटी एकत्रित करने में। और सबसे खास बात तो इसमें ये है कि इस जड़ी बूटी में काफ़ी कांटे होते हैं और छोटे छोटे कांटे हो जाते हैं, और लग भी जाए दोस्तों तो आपको दिखेगा नहीं, इतना बारीक कांटा होता है इसका। इसे जवासा नाम से जानते हैं, और जवासा के जो लोग जानते हैं फायदे, उन्हें तो बताना ही क्या है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जिन्हें पता नहीं है कि जवासा क्या है, उनके खेतों के आसपास भी होगा और कहीं खड़ा भी हो तो खरपतवार समझकर लोग उखाड़ के फेंक देते हैं या फिर यूज उनका ना के समान समझते हैं। तो दोस्तों, आज जो जवासा है उसके बारे में मैं बताऊंगा और कैसे लेना है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले आप पहचान कर लीजिए, इसका जो पौधा होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा तो 2 से 3 फुट तक इसकी ऊंचाई होती है, उतने में ये पक कर ख़त्म हो जाता है। और इसके पत्ते जो होते हैं एकदम, ये जो हमारा पोटुआ होता है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होगा, तो इतना बड़ा सिर्फ इसका पत्ता होता है, और कांटे इसके 1 इंच तक लंबे और बड़े नुकीले होते हैं, बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी लग जाते हैं। और दोस्तों, इसका पंचांग जो है जड़ सहित कूट पीस कर आप तैयार कर लें। ये जो है कफ और पित्त को बड़ी आसानी से नष्ट करता है, क्योंकि इसका जो पाउडर है आप शहद में मिक्स करके खाओगे तो आपकी खांसी पर तुरंत असर दिखेगा। और यदि किसी के ब्लड में दिक्कत हो, खून खराब हो और जल्दी जल्दी खुजली हो जाती हो, या किसी प्रकार की खुजली है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही हो, तो दोस्तों सुबह खाली पेट आप 1 चम्मच जवासा का पंचांग का पाउडर और 1 चम्मच शहद मिला करके चाट लें। और ध्यान रहे, 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, फिर आप देखोगे कि कुछ ही दिन में आपका रोग धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और यह भूख को भी बढ़ाता है, जब आप इसको लेना शुरू करोगे तो आपको भूख अच्छी लगेगी, खाना पीना आप खाओगे तो उसमें स्वाद आएगा, टेस्ट लगेगा। और इससे जैसे लीवर की समस्या हो, लीवर में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो ये उसको भी मजबूत करता है। तो दोस्तों, ऐसी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहचान भी कराता हूँ, और उसकी जो तासीर है, गुण जो होते हैं उसके, उनको मैं बताया करता हूँ। जैसे इस औषधि का गुण है पित्त को शांत कर करती है। अब जैसे किसी के खून खराब की वजह से किसी के फोड़े फुंसी हो जाते हैं, विसर्प जैसे छोटी छोटी फुंसियाँ या पिंपल्स निकल रहे हों, तो दोस्तों इसका काढ़ा भी आप पी सकते हैं, या ताज़ा पौधा लेके आए कूट करके, और एक जो चपटा होता है ना मिट्टी का बना हुआ, उसमें डाल दें। अब 1 लीटर पानी और करीब 100 ग्राम इसका जो पूरा पंचांग का कूट करके आप डाल दीजिए। अब उसको आप जब तक बॉयल होने दें, जब तक कि वो आधा शेष न रह जाए। अब आप उसको आधा जो बच गया है, यानी कि 400-500 ml बच जाएगा, तो उसमें आप 3 हिस्से या 4 हिस्से करके 100-100 ml आप दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। तो आप पहले दिन से ही आश्चर्यजनक फायदा देखोगे और बहुत बॉडी में निखार देखोगे, क्योंकि ये जो है खून साफ करने के साथ साथ आपके शरीर को निखार गया भी। इसका एक और बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट फायदा बता रहा हूँ,
जैसे आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं और पिंपल्स के कारण काले काले घेरे या फिर काले काले धब्बे हो जाते हैं, तो इसके पत्ते लें और इसके पत्ते को सिलबट्टे पर अच्छी तरह पीस करके इसमें गुलाब जल आप मिक्स कर दें। गुलाब जल मिक्स करने के बाद आप हल्का हल्का अपने चेहरे पर पेस्ट लगा करके रात को सो जाएं और आप सुबह उसको ठंडे पानी से धो दीजिए। दोस्तों, पहले दिन ही आपको बहुत ही निखार दिखेगा और जो आपके काले धब्बे हो गए हैं या फिर मुंह पर बहुत सारी फुंसियाँ हैं वो भी आपकी बैठ जाएंगी। आपको 3-4 दिन ऐसा करना है, आप चेहरा भी निखरेगा और आपके पिंपल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, दाग धब्बे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो है आपके डेड स्किन जो हो जाती है, आपकी नसें जो मर जाती हैं, चेहरे की जो झाइयाँ या उनको भी ठीक करने में काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, सभी साथ में बोले जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।